हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहाडा स्वागत एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज आप शुरू करने जा रहे हैं जी पंजाब जी के। पंजाब जी के वो क्वेश्चन है जी जिस तो बार आज तक कदे भी पेपर नहीं आया, और किड़े किड़े पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये भावें पंजाब आए हुए क्लर्क के एग्जाम है, भावें वीडियो के है, भावें PPSC PCL जां फिर पंजाब पुलिस के हुण आउण वाले पेपर है, मास्टर केडर, लैक्चरर केडर, हिस्टरी, इस तो इलावा ETT केडर, PS टैट। हाँ जी, PS टैट के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी सारे, और सोशल साइंस पार्ट है जो सारा इस कवर होगा। तो जिन्हें भी SSSB बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं जां फिर आने वाले समय के आने उन्होंने सारे लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तो बाहर कदे भी कोई पेपर नहीं आया, भुल के भी इन्हों ना छड़ो। इस वीडियो वो तो शेयर कर दौ, और ये अज का अपना पहला पार्ट है जी, और इस तो बाद लगातार अपने जोड़े इस दे पार्ट ने वो आते रहने हैं। सो इस वीडियो वो तो शेयर कर दौ। हाँ जी, हम आप करते हैं वीडियो शुरू। उस तो पहला चैनल में सबसक्राइब करके बैल का आइकन अप के आल नोटिफिकेशन उपर जरूर क्लिक कर देना। आल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि इस दे नाल तुहानू आने वाले सारे नोटिफिकेशन है जिहड़े समय से वीडियोज़ के मिलते रहेंगे। PS टैट CDP भी आप शुरू कर जा रहे हैं अज। PS टैट SST पार्ट है सोशल साइंस का, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होणगे, वन लाइनर होणगे, जिन्हां नू तुसीं वन लाइनर दे विच नोट करते जायो, अपने नोट्स नाल दी नाल तैयार करते जायो। इन्हां दे MCQ बना के आप वैबसाइट उपर अपडेट करांगे, उत्थे तुसीं MCQ प्रैक्टिस भी करते रहना है। इस दे नाल ही CTET HTET UGC NET जां फिर जिन्हें भी हिंदी मीडियम के एग्जाम है उन्होंने लिए अलग तो चैनल आप बना रहे हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस चैनल भी सबसक्राइब करके बैल का आइकन आपके आल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लियो। हाँ जी, करते हैं आप वीडियो शुरू। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने जोड़े अज के क्वेश्चन है जी, जेकर आप इन्हों की गल करिए, अपना पहला क्वेश्चन है सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स किसनों कहा जाता है। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसनों कहा जाता है, यह है जी इलाहाबाद। हाँ जी, इलाहाबाद नूं सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। सो इसका सही आंसर है, इसना तुसी अपने वन लाइनर तैयार करते जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सौखा हो जाता है पढ़ना, और नोट्स नाल दी नाल तैयार करते जाने हैं। अपना जो नैक्सट क्वेश्चन है वह है कि APJ अब्दुल कलाम टापू का संबंध किहड़े राज नाल है। जिहड़ा APJ टापू है, APJ अब्दुल कलाम टापू, उसका संबंध किहड़े राज दे नाल है, ये चीज़ पूछी गई है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। हाँ जी, और इस दे नाल ही तुसीं कमेंट विच दसना है कि APJ अब्दुल कलाम कौन सी। हाँ जी, कौन सी APJ अब्दुल कलाम, ये तुसीं कमेंट विच दसना है। नैक्सट क्वेश्चन अपना वो है कि डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसनों कहा जाता है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसनों कहा जाता है। सो इसका सही आंसर है जी सूरत। हाँ जी, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसनों कहा जाता है, सूरत नूं कहा जाता है। नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वह है संसद के दोनों सदनों अते राज विधानसभा के हल्कियां दी हंदबंदी कौन निर्धारित करता है। हाँ जी, जिहड़े दो सदन अपने राज्यसभा ते विधानसभा के हल्के है जिहड़े, उन्हां दे विच जिहड़ियां हल्कियां दी हदबंदी हुंदी है वो कौन करदा है, कि चोण हल्का किहड़ा है। जिवें कि अलग अलग हल्के ने, संगरूर दे विच अलग अलग हल्के है, बठिंडा विच अलग अलग हल्के है, लंबी है, ठीक है, पुछो है, जां कोई भी होर इलाका है, फिरोजपुर दे वख वख इलाके है, तां उह हदबंदी कौन करदा है, तां उह हदबंदी निर्धारित करदा है जी चोण कमिश्न। हाँ जी, चोन कमिश्न है जरा वो ये हदबंदी निर्धारित करता है साड़िया वोटों के। उस तो बाद नैक्सट आ जाता है डिट्रोइट ऑफ इंडिया भारत के किहड़े शहर नूं कहा जाता है। हाँ जी, डिट्रोइट ऑफ इंडिया भारत के किहड़े शहर नूं कहा जाता है, चेन्नई नूं कहा जाता है जी। उस तो बाद रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया किसनूं कहा जाता है, इसका सही आंसर है वाराणसी। हाँ जी, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया किसनूं कहा जाता है, वाराणसी नूं कहा जाता है। उस तो बाद नैक्सट जिहड़ा अपना
क्वेश्चन है वो है कि सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड किस नूं कहा जाता है जी? सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड कहा जाता है अनसोल नूं। हाँ जी, अनसोल नूं कहा जाता है। नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वह है कि पूंजी वेच होने वाले वाधे निवेश किया जाता है, ये किसने गल कही है? हाँ जी, पूंजी वेच होने वाले वाधे निवेश किया जाता है, ये गल किसने कही है? कही है प्रोफेसर हिक्स ने। हाँ जी, प्रोफेसर हिक्स ने यह गल कही है पूंजी वेच होने वाले वाधे निवेश किया जाता है। तो अपना जो नैक्सट क्वेश्चन है वह है कि भारत वेच नोट कौन जारी करता है? हाँ जी, भारत वेच नोट कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में नोट जारी करता है। कमेंट में तुम दसना है कि एक रुपए के नोट है जो जो साढ़े सिक्के है वह कौन जारी करता है, पांच रुपए का जो नोट है वह कौन जारी करता है, जो सिक्का कौन जारी करता है, ये चीज़ तुम्हें नीचे कमेंट में दसनी है। तो नैक्सट अपना जोड़ा क्वेश्चन है वह है कि बैंक दर कौन निर्धारित करता है? हाँ जी, बैंक दर है जी वह कौन निर्धारित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है जी बैंक दर न। नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है जेकर उसकी गल करिए बैंकों का राष्ट्रीकरण पहली बारी कदों होया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीकरण पहली बारी कदों होया? कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के जोड़ा सीगा अपना एग्जाम उस आया हुआ क्वेश्चन है। तो इतने सही आंसर है 1969 के 14 बैंकों का जोड़ा राष्ट्रीकरण है वह होया पहली बारी। तो नैक्सट क्वेश्चन अपना भारत का पहला कानून अधिकारी कौन हुंदा है? भारत का पहला कानून अधिकारी कौन हुंदा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, पंजाब पटवारी विच आया हुआ क्वेश्चन है ये। अटारनी जनरल, अटारनी जनरल जिहड़ा है वो भारत का पहला कानून अधिकारी हुंदा है। तो नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्शन डे कदों मनाया जाता है? डायरेक्ट एक्शन डे कदों मनाया जाता है, कदों मनाया गया, सॉरी डायरेक्ट एक्शन डे कदों मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे है जो मनाया गया सी 16 अगस्त 1946। नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है बफर स्टाक तो की भाव है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये जो पंजाब पटवारी का एग्जाम सी उस दे विच आया हुआ क्वेश्चन है बफर स्टाक तो की भाव है? तो इसका आंसर है जरूरी वस्तुओं का भंडार करके रखना, बफर स्टाक किया जाता है उसनों। और नैक्सट अपना क्वेश्चन है भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर कौन हुंदा है? भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर कौन हुंदा है? इसका सही आंसर है जी अटारनी जनरल। हाँ जी, अटारनी जनरल भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर हुंदा है। नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है खेती नूं भारत की आत्मा किसने कहा? हाँ जी, खेती नूं भारत की आत्मा किसने कहा? मास्टर केडर विच आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जी महात्मा गांधी। हाँ जी, महात्मा गांधी नूं कहा जाता है जी, जिसने ये गल कही सी कि खेती भारत की आत्मा है। हाँ जी, ये गल कही सी महात्मा गांधी ने, कहता भाई जी खेती है वो भारत की आत्मा है। तो नैक्सट क्वेश्चन वाल आप चलते हैं जी, अपना जो नैक्सट क्वेश्चन है वो है डॉक्टर नॉर्मन ई वरलोग का संबंध किस नाल है? डॉक्टर नॉर्मन ई वरलोग का संबंध किस नाल है? इसका सही आंसर है हरी क्रांति नाल। हाँ जी, इसका जो संबंध है वो हरी क्रांति दे नाल है। नैक्सट क्वेश्चन है एक देश तो दूजे देश में भेजिया जाने वाली वस्तुओं को क्या जाता है? इसका सही आंसर है निर्यात। हाँ जी, एक देश तो दूजे देश में भेजिया गई वस्तुओं को क्या जाता है? निर्यात किया जाता है। और कमेंट में तुम्हें दसना है कि दूजे देश तो अपने देश में लिया गई वस्तुओं को क्या जाता है, ये चीज़ तुम्हें कमेंट में दसना है। नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है संसार में सब तो वध चाह का निर्यात कौन करता है? संसार में सब तो वध चाह का निर्यात
कौन करता है? तो ऑप्शंस ने भारत, हाँ जी भारत है जिहड़ा सब तो वध चाह दा निर्यात करता है, अलग अलग देशों में असीं चाह भेजते हैं जी। सो नैक्सट क्वेश्चन है, वाइट सिटी ऑफ इंडिया किसनों किया जाता है? वाइट सिटी ऑफ इंडिया किसनों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जी उदयपुर। हाँ जी उदयपुर नूं वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये है जी अपना क्वेश्चन। उस तो बाद नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है उसकी गल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, भारत की कुल आबादी का किन्ने प्रतिशत भाग गरीबी रेखा तो हेठा रहिंदा है? भारत की कुल आबादी का किन्ने प्रतिशत भाग गरीबी रेखा तो हेठा रहिंदा है? तो इसका सही आंसर है जी 21%। 21% लोग है जिहड़े वो गरीबी रेखा तो हेठा रहिंदे ने। पर अज के समय में जेकर वेख्या जाए तो मेरे हिसाब नाल ये 50% तक मनिया जाना चाहिए है, क्योंकि गरीबी महंगाई ने होर भी वधा दिती है। सो नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है वो जेकर आप उसकी गल करिए वो है, विकासशील देशों भारतीय जहाजरानी का किन्नवा स्थान है? हाँ जी विकासशील देशों के भारतीय जहाज रानी का किन्नवा स्थान है? तो ऑप्शन सही आंसर है जी अपना वो है पहला। हाँ जी इसका पहला स्थान है जी भारत का किस जहाज रानी का विकासशील देशों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होंगे? राज का सर्वोच्च कानून अधिकारी हाँ जी कौन होंगे है? एडवोकेट जनरल, हाँ जी ए जी कहने आप इसनों। तो तुसी कमेंट में दसना है कि हुणे हुणे साढ़े नवे ए जी कौन बने हैं? हाँ जी साढ़े नवे ए जी है जेडे वो कौन बने हैं, पंजाब के नवा ए जी कौन बने हैं ये तुसी कमेंट में दसना है। और नैक्सट अपना जो क्वेश्चन है वो है कि देश के दे निर्यात व्यापार में होने वाले परिवर्तन कारण फैली बेरोजगारी नूं की कहा जाता है? हाँ जी देश के दे जो निर्यात व्यापार है उसके कारण बेरोजगारी फैलती है उसनों की कहा जाता है, कि बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। हाँ जी इसनों कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिल टावर कितने स्थित है? एफिल टावर कितने स्थित है? तो इसका सही आंसर है जी पैरिस के। हाँ जी एफिल टावर पैरिस स्थित है। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है, मनरेगा स्कीम का संबंध किस नाल है? मनरेगा स्कीम है जी उसका संबंध किस नाल है? तो इसका जो संबंध है वो है महात्मा गांधी नाल। हाँ जी मनरेगा स्कीम का जो संबंध है वो महात्मा गांधी नाल है। और मनरेगा की फुल फॉर्म तुसी नीचे कमेंट में दसनी है जी, मनरेगा की फुल फॉर्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अपना वो है, मनरेगा स्कीम के तहत एक साल में किन्ने दिनों की रुजगार दिता जाता है? हाँ जी मनरेगा स्कीम के तहत एक साल में किन्ने दिनों का रुजगार दिता जाता है? तो इसका सही आंसर है जी 100 दिन का रुजगार है जोड़ा वो दिता जाता है मनरेगा स्कीम राही। नैक्सट अपना क्वेश्चन है, हरी क्रांति नाल कि फसल की पैदावार सब तो वाधा होया? हरी क्रांति आई 66 और इस कि फसलां सीगियां जिहड़ियां उसते पैदावार दे विच वाधा हो गया? तां ऑप्शनस तो सही आंसर है जी वह है कणक अते चावल। हाँ जी कणक अते चावल ते पैदावार दे विच जिहड़ा वो वाधा होया। उस तो बाद अपना नैक्सट क्वेश्चन है वह है कि आमदन दे जिस भाग नूं उपभोग ते खर्च नहीं किया जा सकता उसनों की कहा जाता है? हाँ जी साढ़े कोल जो आमदन है वो 100 रुपया है, उसके विचों मैं 70 रुपए उपभोग कर ले वरत ले ते बाकी जेडे 30 रुपए है उसनों की कहा जाता है? ये गल पूछी गई है तो उसनों की कहा जाता है? उसनों कहा जाता है बचत। हाँ जी नैक्सट जो अपना
क्वेश्चन है वो है छुपी हुई बेरोजगारी केड़े देशों विच पाई जाती है। छुपी हुई बेरोजगारी केड़े देशों विच पाई जाती है? तो इसका सही आंसर इन्होंने किया जी घट विकसित देशों विच। पर मैं इस गल नाल कदे भी सहमत नहीं कि यह सिर्फ घट देशों विच ही पाई जाती है, भावें भारत विकासशील देश है पर इत्थे भी छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि इत्थे खेती जिहड़ी है वो सब तो वध धंदा है। खेतीबाड़ी दे विच जेकर 5 एकड़ जमीन है तो उसके उपर 2 तो 3 परिवार के मैंबर है जिहड़े वो काम कर रहे हैं, जदों कि उत्थे एक बंदा भी उसके उपर काम कर सकता, तो बाकी जिहड़े 2 है वो छुपी हुई बेरोजगारी का हिस्सा है। इस दे नाल ही जिहड़ी खेतीबाड़ी का धंदा है वो उसके विच जिहड़ा काम है वो लगभग 6 महीनों विचों 2 तो 2.5 महीने तक का हुंदा है, बाकी 3 तो 4 महीने 6 महीनों के वो बंदा लगभग वेला हुंदा है। तो इस तरह वक् वक् धंदयां दे विच ये चीज़ वेखी जाती है भारत के विच भी कि छुपी हुई बेरोजगारी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। सो आपां एक चीज़ नूं लॉजिकली देख सकते हैं, बट साड़ियाँ किताबां ये चीज़ कहिंदी है कि घट विकसित देशों के विच छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। सो आपां नूं ये चीज़ ही मन के चलना पूरा। नैक्सट क्वेश्चन अपना वो हैगा है, किरती मजदूरी की वर्तमान दर से काम करने लिए तैयार ना होने की स्थिति नूं की कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जी इश्क बेरोजगारी। हाँ जी, इत्थे इच्छुक बेरोजगारी वो बेरोजगारी हुंदी है जी जो कि मैनू रुजगार तो कोई दे रहा हो, जिमें कोई कह रहा हो कि आ जा मेरी बस से कंडक्टर लग जा, पर उत्थे मैनू जिहड़ी पे है वो 5,000 रुपया देगा कंडक्टर लाऊगा अपनी बस से, जदों कि मेरी डिग्री MA BEd है। तो फिर मेरे लिए जेकर मैं कहना नहीं यार मैं तो MA BEd PhD है और मैं बस कंडक्टर लग के 5,000 रुपया क्यों कमावा, मैं वधिया नौकरी की भाल विच है, तो उस जगह के उपर ये इच्छुक बेरोजगारी होगी कि ये व्यक्ति है जिहड़ा वो अपनी इच्छा अनुसार बेरोजगार रह रहा है तो होर वधिया रुजगार की भाल कर रहा है। सो ये चीज़ है। उस तो बाद अपना जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन है वह है कि सरकार वालों अपने खर्चों को पूरा करने लिए लए गए कर्जे को की कहा जाता है? हाँ जी, जदों कोई सरकार कर्जा लेंदी है अपने खर्चे को पूरा करने लिए तो उस कर्जे को की कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जी सार्वजनिक कर्जा। हाँ जी, क्योंकि सरकार ये कर्जा पूरी स्टेट के नाम पर लेंदी है और ये सार्वजनिक कर्जा हुंदा है। उस तो बाद नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वो है कि सरकारी बजट नूं पूरा करन दा एक उपाय दसो। हाँ जी, सरकारी बजट नूं पूरा करन दा एक उपाय जिहड़ा वो है कि घाटे दी वित्तीय व्यवस्था। हाँ जी, घाटे दी वित्तीय व्यवस्था जिहड़ी वो बजट नूं पूरा करन दा उपाय है। नैक्सट क्वेश्चन अपना वो है कि मुद्रा पूर्ति विच वाधा होण नाल कीमतां ते की असर पैंदा है? मुद्रा पूर्ति विच वाधा होण नाल कीमतां जिहड़ियां वो वध जांदियां। हाँ जी, की जिहड़ियां साडियां कीमतां वो वध जांदियां। सो अज दे समें विच आपां कह सकदे हैं कि भाई गैस सिलेंडर दे विच मुद्रा पूर्ति दी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि महीने दे विच 3-4 बार वध जांदा है। नैक्सट अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वो है कि कोले दी मदद नाल पैदा कीती गई बिजली नूं की कहा जाता है? हाँ जी, कोले दी मदद दे नाल पैदा कीती गई बिजली नूं की कहा जाता है? तो वह है इसका आंसर ताप बिजली। हाँ जी, ताप बिजली कहा जाता है कोले नाल तैयार कीती गई बिजली नूं। तां तुसीं कमेंट विच दसना है कि पानी नाल तैयार कीती गई बिजली नूं की कहिंदे आ। हाँ जी, ये चीज़ तुसीं कमेंट विच दसनी है। सो स्टूडेंट्स, ये सीगे अज दे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। सो आपां इस स्पीड दे नाल ही अपने जिहड़े आ 1,000 तो वध जिहड़े वन लाइनर आ ओह करांगे। सो नैक्सट वीडियो विच बाकी नैक्सट क्वेश्चन करांगे। चैनल दे नाल बने रहो, चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल दा आइकन नप के आल नोटिफिकेशन ते क्लिक कर दिओ, वीडियो नूं वध तो वध शेयर कर दिओ, वध तो वध स्टूडेंट्स नूं अपने चैनल नाल जोड़ो।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ।